हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिलेक्शन 100% पर। जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यूपी जीके। आज से मैं यूपी जीके की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिससे जैसे ये पार्ट वन वीडियो है, आगे इसके और भी वीडियोस आएंगे, जिससे हमारा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक यूपी जीके कवर हो जाएगा। और जिस भी एग्जाम में यूपी जीके पूछा जाता है, क्वेश्चन के साथ जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, तो हमारा एक कंप्लीट यूपी जीके की तैयारी हो जाएगी। तो जिस भी एग्जाम में पूछेगा, जैसे यूपीएसआई में, यूपी आरओ आरओ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ में पूछता है, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन होगा यूपी जीके से वो निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी लेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, ये हमारा पार्ट वन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 1937 में हुआ था। इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये हमें याद रखना है। इसकी राजधानी 1858 तक आगरा रही, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही, 1921 से अब तक लखनऊ। तो लखनऊ इसकी राजधानी है, हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और लखनऊ को प्रशासनिक राजधानी बोला जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोला जाता है। अगर आपसे पूछते हैं न्यायिक राजधानी कौन है, तो न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, क्योंकि इलाहाबाद में हाईकोर्ट है। अब तो लखनऊ में भी है, पर पहले से इलाहाबाद में था, इसलिए इलाहाबाद को न्यायिक राजधानी भी बोला जाता है। इसका विभाजन यानी कि पार्टीशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में इसका पार्टीशन हो गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिले से एक नया स्टेट, एक नया राज्य बना, जिसका नाम था उत्तरांचल। और इस उत्तरांचल का नाम 2007 में उत्तराखंड रख दिया गया। तो एक नया स्टेट उत्तराखंड कब बना था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल डिविजन्स कितने? 18 मंडल है, 18 है, हमेशा याद रखना है। और जिलों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट की संख्या 75 है, 75 है। ये 18 जो मंडल हैं, इनमें सबसे बड़े मंडल कानपुर और लखनऊ हैं, और सबसे छोटा मंडल है सहारनपुर, ये हमें याद रखना है। और जो 18 मंडल है, 18वां मंडल जो लास्ट है वो अलीगढ़ है, अलीगढ़ को 18वां मंडल बनाया गया। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, एरिया कितना होता है। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होता है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है ये, और पूरे इंडिया में चौथे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का। पहला राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथा उत्तर प्रदेश है। अगर जनसंख्या देखा जाए, क्योंकि हर 10 साल पे नियमित जनगणना होती है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस, जो 2011 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये जनसंख्या थी। यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 19,98,12,341, यानी कि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, सबसे बड़ा राज्य है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से, हमेशा ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम लोग इसकी थोड़ी सीमा से लगने वाले प्रदेश, जो हमारे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री होती है। हमेशा कभी कभी ऐसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से कौन कौन से, यानी जो पड़ोसी राज्य हैं, जो अगल बगल प्रोविंस है, स्टेट्स हैं, वो कितने हैं। तो देखिए, 8 राज्य इससे जुड़े हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। हमें पता है यूनियन टेरिटरी कौन सी है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये 8 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले हम जैसे कॉमनवे में भी याद रख सकते हैं, कुछ कुछ हमें पता रहते हैं। तो 8 राज्य ये हैं कि पहले तो एमपी हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड जो कि इसी उत्तर प्रदेश से ही बना है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये है 8 राज्य जो हमारे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से लगते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की कौन सी कंट्री इसकी बाउंड्री से लगती है, कौन सा देश इसकी बाउंड्री से लगता है, इसके सीमा पे लगा हुआ है नेपाल। इसकी सीमा नेपाल से टच करती है, और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं, हमें हमेशा याद रखना। वो 7 जिले कौन कौन से, ये भी हमको याद रख सकते हैं, कभी पूछ लिया। महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, श्रावस्ती, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं।
सबसे ज्यादा सीमा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किस स्टेट से लगती है, किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश एमपी से 11 जिले इसके लगते हैं, इलाहाबाद और ये सब जिले हैं, 11 जिले आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जानना ये जरूरी है कि सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगते हैं। एनसीआर, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश भी आता है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, 8 जिले आते हैं, टोटल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये 8 जिले जो होते हैं ये आपके किस में आ जाते हैं, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में, ये हमें हमेशा याद रखना होता है। अब देखिए ये तो हो गया सबसे ज्यादा सीमा वाला राज्य, ये कभी कभी थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमको होती है, कभी कभी एग्जाम में हाईलाइट कर देता, अभी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे वगैरह में भी पूछा था एक आध बार कि प्रथम सीमा, हालांकि यूपी जी के उसमें आता नहीं लेकिन कॉमन सेंस से आ सकता है, फर्स्ट सीएम जो थे हमारे यूपी के वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, प्रथम गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी, और ये एकमात्र महिला गवर्नर भी हैं, हमेशा याद रखिएगा, एक ही बार बनी, वो भी प्रथम, वो भी महिला, वोमेन, वो कौन थी, सरोजनी नायडू। और उत्पादन किस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का हमारे देश में, तो गेहूं के उत्पादन में, दुग्ध मिल्क के उत्पादन में, गन्ना, शुगर केन, आलू के उत्पादन में, इन चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान है हमारे उत्तर प्रदेश का। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती, जो वर्षा होती, सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, ये भी हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा, ये है मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, तो ये इसका एकदम उत्तरी छोर हो जाएगा, ये इसका दक्षिणी हो जाएगा, ये इसका पूर्वी, ये इसका पश्चिमी, यहाँ पर जिलों के नाम लिखे हुए हैं, इसका मतलब है सबसे पूर्व में जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो बलिया है, सबसे उत्तर में जो है वो सहारनपुर है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है, यानी कि एंड पॉइंट्स हैं एक तरह से उत्तर प्रदेश के, कभी भी हमारे एग्जाम में हाईलाइट कर सकते हैं। आप देखिए सोनभद्र जो है ये बहुत बड़ा राज्य है, इस ये सबसे ज्यादा, ये हमको ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है। सोनभद्र कौन सा जिला सबसे ज्यादा राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, बाउंड्री शेयर करता है, तो वो सोनभद्र है। कितने राज्यों से, 4, कौन कौन से, एमपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये 4 जिलों से सोनभद्र अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। तो हमने आज के इस वीडियो में ये बेसिक जानकारी यूपी की हमने लिया, अभी आगे के वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रमुख त्योहार, प्रमुख मेले, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब हम आगे की वीडियो में लाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।